महाराष्ट्र के अकोला जिले में 9 अक्टूबर को एक मुस्लिम बुजुर्ग शेख जमीर उमर पर भीड़ ने हिंसक हमला किया। ये घटना तब हुई जब वो अपने खेत की ओर जा रहे थे। हमलावरों ने उनकी दाढ़ी और टोपी का मजाक उड़ाते हुए सांप्रदायिक गालियां दी और उन्हें पाकिस्तान या कब्रिस्तान जाने की धमकी दी। इसके बाद उनकी मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस के हस्तक्षेप से उनकी जान बचाई गई, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आईं और स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना क्षेत्र में पहले से चल रहे सांप्रदायिक तनाव के बीच हुई, जो एक ऑटो रिक्शा से संबंधित विवाद से शुरू हुआ था। इस विवाद के बाद पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम समुदाय के थे। इस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समुदाय ने पुलिस पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। इसके बीच करण साहू नामक एक स्थानीय नेता की गिरफ्तारी और उसके बाद की रिहाई ने माहौल को और भड़काया। साहू के समर्थकों ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया और रिहाई के बाद वापस जाते समय भीड़ ने शेख जमीर पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने साहू और उसके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन उन्हें जल्दी जमानत मिल गई, जिससे मुस्लिम समुदाय में असंतोष और बढ़ गया। पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया है। हालांकि इस घटना से स्थानीय समुदायों के बीच असमान न्याय और सांप्रदायिक विभाजन की आशंकाएं फिर से उभर आई हैं। फिलहाल तनावपूर्ण माहौल को शांत करने और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है, ताकि सभी पक्षों के साथ न्याय हो सके। अकोला की यह घटना सांप्रदायिक हिंसा की चुनौतियों की याद दिलाती है, जो मामूली विवादों से भी भड़क सकती है, और इसमें निष्पक्ष कानून व्यवस्था बनाए रखना कितना आवश्यक है।